हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ PDI के बारे में, यानी कि गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले उसका PDI करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। PDI मीन्स प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, मतलब आप किसी भी शोरूम में कार देखने गए और आपको गाड़ी पसंद आ गई और आपने कार बुक करवा दी, लेकिन जब भी आप कार की डिलीवरी लेने जाओ उससे एक या दो दिन पहले उसका PDI जरूर कर लें। यानी कि आप जिस गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो वो गाड़ी एकदम ओके है या नहीं, कहीं वो गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है या कोई स्क्रैच या डेंट तो नहीं है या फिर कहीं से कलर उतरा हुआ तो नहीं है, और गाड़ी के फंक्शंस प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं, यही PDI करना होता है दोस्तों। क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपको अपनी गाड़ी में कोई कमी ना मिले, क्योंकि आप पैसे दे के गाड़ी ले रहे हो, फ्री में नहीं, और आपका हक बनता है PDI करना। अब आपको पता है कि जो गाड़ी आपको डिलीवरी वाले दिन मिल रही है उसे प्रॉपर्ली चेक कर लो। उसका चेसिस नंबर जो कि आपको ड्राइवर वाली साइड डोर के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो कार का बोनेट ओपन करोगे तो वहां मिल जाएगा दोस्तों, ताकि ऐसा ना हो कि डिलीवरी वाले दिन आपको दूसरी गाड़ी मिल जाए जिसका चेसिस नंबर अलग हो, तो उनसे आप इसका रीजन पूछ सकते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप गाड़ी का बोनेट का इंटरनल पार्ट उसे भी चेक कर लो, प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ है या नहीं है, कलर और डेंट भी चेक कर लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। डोर्स में अंदर की साइड में जो रबड़ लगा हुआ होता है वो भी प्रॉपरली फिटिंग के साथ में होना चाहिए, नहीं तो पता चल जाएगा कि कार के साथ में कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं। गाड़ी को अच्छे से चेक कर लो, मतलब गाड़ी का पूरा इंस्पेक्शन कर डालो। अगर कोई कमी लगे तो आप सेल्स मैनेजर को बता सकते हो, ताकि डिलीवरी लेते टाइम आपकी कार में कोई कमी ना रहे दोस्तों। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ को चेक करना है, देन प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन के बाद आप अपनी कार की डिलीवरी लो दोस्तों। तो बस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।